वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आपको सबको पता ही है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो बीएड की एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गई हैं। अब एक्चुअली मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि बीएड जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स में होती है, यानी कि उसका मोड ऑफ एडमिशन जो प्रोसेस है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक तो होती है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, उसका एंट्रेंस टेस्ट होता है, बड़े सारे बच्चों ने एंट्रेंस टेस्ट उसका दिया हुआ है और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्द ही, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में होती है। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जम्मू डिवीज़न में और वो कॉलेज इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर है। सो उस कॉलेज में जो भी बीएड होगी वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर होगी। अब बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड। सो जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड है वो प्राइवेट कॉलेजेस में होगी, ये एक रेगुलर डिग्री होगी, पूरा कंट्रोल यूनिवर्सिटी का होगा इस पर, लेकिन वो होगी प्राइवेट कॉलेजेस में। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल देखते हो, लेकिन होते वो बोर्ड के अंडर ही हैं, बोर्ड ही एग्ज़ाम लेता है 10th 12th का, तो सेम इसी तरह ये जो बीएड है ये प्राइवेट कॉलेजेस में होगी, बट इसका कंट्रोल पूरा जो है यूनिवर्सिटी का होगा। अब ये चीज़ देखने वाली है कि अगर आप कोई भी कोर्स करने जाते हो तो उस कोर्स को करने से पहले उस कोर्स को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने देखा है बड़े सारे बच्चे कहते हैं बस हमें किसी तरह यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँ, चाहे कोई भी कोर्स दे दो, जिस कोर्स का उनको नाम भी नहीं पता होगा और उन कह दो कि इसमें तुम्हें एडमिशन दे दें, हाँ जी दे दो, बस किसी तरह हमें यूनिवर्सिटी पहुँचा दो या किसी तरह हमें आगे बस क्लास में बिठा दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपका टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। जब तक आपको उस कोर्स की पूरी नॉलेज नहीं होगी, उस कोर्स के बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, फ्यूचर में आपको उस कोर्स का क्या बेनिफिट मिलने वाला है जब तक ये नहीं पता होगा, तब तक उस कोर्स में जाना ही नहीं चाहिए। आप एक न्यू मोबाइल लेते हो तो पहले सब कुछ जान के ही लेते हो ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या रैम है, क्या स्क्रीन है, एंड्रॉयड है, क्या नहीं है, ये सब कुछ जान के ही तभी तो मोबाइल बाय करते हो ना। तो फिर जब कोर्स में जाना चाहते हो तो फिर कोर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है ना। ये थोड़ी है कि बस मुझे एडमिशन चाहिए जिस मर्जी में मिल जाए। अब मैं देख रहा हूँ वो एंट्रेंस एडमिशन फॉर्म जो JEE के फिल हो रहे हैं, बच्चे जो प्रेफरेंसेस दे रहे हैं वो बिना आँखें बंद करके ही दी जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कोर्स क्या है, कितने इयर्स का है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बस वो दे ही जा रहे हैं। तो बाहर जब शॉपिंग करने जाते हो तो क्या इस तरह से करते हो? तो सेम अब पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई में भी पूरा किसी चीज़ को समझ लो कि उसका बेनिफिट क्या है, क्या है नहीं है, क्या पता आगे जाके आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए उस कोर्स से। तो इसलिए पहले जानना ज़रूरी है। और बीएड का बेनिफिट्स मेरे आइडिया से एज गोज टू MA और MSc करने से ज़्यादा है इस टाइम में। देखो बात क्या है, आप MA में जा रहे हो, MSc में जा रहे हो, कितने बच्चे हैं जो इस MA MSc में जाके अपने सब्जेक्ट से आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे? हार्डली 5% बच्चे भी नहीं होते। 80-85% बच्चों की स्टडी बस यहीं ख़त्म हो जाती है, MA कर ली ओके, MSc कर ली ओके, आगे नहीं जाते, ना ही जाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि MA और MSc आप इसलिए कर रहे हो कि आपको हायर एजुकेशन में जाना है। हायर एजुकेशन मीन्स आपको कॉलेज में जो प्रोफेसर्स बनना है या हायर सेकेंडरीज में, तो उस लिए आपको ये मास्टर्स डिग्री से आगे जाना पड़ता है, नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, PhD करनी पड़ती है, और जब PhD करने के बाद भी बड़े सारे बच्चे नहीं लग पाते। आप देखोगे जब टीचर का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जब फॉर्म फिल होते हैं, PhD वाले बच्चों ने भी फॉर्म फिल किए होते हैं, अब PhD करके आप टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए जब आपको ये जो मास्टर्स डिग्री है, मैं नहीं कहता कि ना करो, बट ये जो मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो ये आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाती है। आप बैंक में जाना चाहो, आप कोई अदर जॉब करना चाहो, किसी ने नहीं कहना कि आपके पास मास्टर डिग्री है या नहीं है। बैचलर डिग्री मिनिमम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो रखी है वो बैचलर डिग्री है। आप IAS बनना चाहो तो ज़रूरी नहीं है कि मास्टर डिग्री हो, KS बनना चाहो तो ज़रूरी नहीं है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बैंक में जाओ, रेलवे में जाओ,
जिस मर्जी सेक्टर्स में जाओ, ग्रेजुएशन ही होती है। सिर्फ एक हायर एजुकेशन में अगर आपने जाना हो तो मैक्सिमम मास्टर डिग्री मांगते हैं, लेकिन अगर टीचर में जाना हो आपने तो टीचर बनने के लिए वहाँ पे कंपलसरी चीज़ आ जाती है बीएड। अब आउट ऑफ द स्टेट तो बीएड कंपलसरी है, अब इस स्टेट में जो है आप विदाउट बीएड टीचर में रिक्रूट हो सकते हो, लेकिन फिर भी बीएड करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हो जो टीचर गवर्नमेंट टीचर लगे हुए हैं जिन्होंने बीएड नहीं की थी वो अब बीएड कर रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंस से कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, लेकिन उनको करनी पड़ रही है, गवर्नमेंट का आर्डर है 2021 से पहले पहले बीएड कंप्लीट करो। प्राइवेट स्कूल में उन्होंने दिया है कि जिन टीचरों ने बीएड नहीं किया उनको करवाओ, जब न्यू टीचर्स रखने हैं तो उनकी बीएड होनी चाहिए। आप किसी भी स्कूल में चलो, आप केवी स्कूल में जाओ, आप आर्मी स्कूल में जाओ, आप सेंट्रल के स्कूल में जाओ, हर एक जगह वो बीएड मांगेंगे ही मांगेंगे। तो अगर आपने टीचिंग लाइन में जाना है तो टीचिंग लाइन के लिए मेरे आइडिया से एमए और एमएससी से ज़्यादा बीएड की वैल्यू है अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। तो बीएड की वैल्यू कहाँ पे है, कहाँ और वैल्यू है, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप अभी देखो JKSSB का जो फॉर्म फिल हुए टीचर्स के, उसमें एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि 85% जो वेटेज है वो एंट्रेंस टेस्ट को दी जाएगी। इसके अलावा जो 15% वेटेज थी उसको पॉइंट्स में बदला गया। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपके पास बीएड है तो आपको मिल रहे हैं 5 पॉइंट्स। तो बड़ा कौन हुआ, अब पता चल गया आपको कि किसकी वैल्यू है टीचिंग में। पीजी की है तो सिर्फ 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, बीएड की है तो 5 पॉइंट मिलने वाले हैं। बीएड के बाद होती है एमएड, एमएड कर ली तो 5 और पॉइंट मिलने वाले हैं, यानी कि बीएड और एमएड 10 पॉइंट्स देगी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। और अब पीजी के बाद एमफिल होती है, एमफिल का 1 पॉइंट, पीएचडी का 1 पॉइंट। यहाँ एमएससी से चल के आप पीएचडी करते करते 10 साल लग जाएं, शायद 10 ना भी लगे 7-8 साल तो लगेंगे। इतना कुछ करके भी मिलेंगे कितने, 4 पॉइंट, और 2 साल की बीएड और 2 साल की एमएड करके 4 साल में मिलेंगे 10 पॉइंट। तो किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी टीचिंग में, टीचिंग लाइन में जाने के लिए। तो इसलिए अगर आपका ये सोचना है कि हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है या प्राइवेट टीचर बनना है, तो बीएड की वैल्यू जो है एमए या एमएससी से ज़्यादा है। वो देख लिया, वहाँ 2 पॉइंट, वहाँ 5 पॉइंट, और वैल्यू किसकी होगी ज़्यादा। चलो अब ये बीएड है, ये बीएड है क्या चीज़। पहले बीएड होती थी 1 ईयर्स की, 1 ईयर्स भी आप सोच लो कि 10 मंथ्स की होती थी, बड़ी आसान थी, कुछ भी नहीं था उसमें, 1 महीना पढ़ो तो आराम से हो जाती थी, 7 पेपर होते थे। लेकिन बीएड को जो है अब बदल दिया गया, इस स्टेट में नहीं, इस यूनिवर्सिटी में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में बीएड 2 ईयर्स की है। एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं एनसीईटी, नेशनल काउंसिल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सारा कंट्रोल करती है बीएड पे, इसका सारा करिकुलम, इसका सारा स्ट्रक्चर, इसकी सारी ड्यूरेशन, कैसे क्या क्या होना है, ये सब इसके अंडर होता है, ठीक है। लेकिन अब जो JNK है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी है, ये एनसीईटी के अंडर नहीं आती, इसका अपना रूल रेगुलेशन है। लेकिन ये रूल्स जो स्ट्रक्चर पूरा एनसीईटी का ही फॉलो करती है। हम एनसीईटी के अंडर नहीं आते, लेकिन हम जो काम करने का तरीका है, जो पढ़ने का, जो पढ़ाने का, जो करिकुलम है, वो सारा एनसीईटी वाला ही है, जैसे जैसे उनका है। तो बीएड आज से 2-3 साल पहले से 2 ईयर्स की होगी। जब ये 2 ईयर्स में हुई तो ये सेमेस्टर सिस्टम में बदल गई। जब ये सेमेस्टर सिस्टम में बदली तो इसके 4 सेमेस्टर्स हुए। अब देखो बीएड क्या चीज़ है। बीएड जो है वो एक बैचलर डिग्री है, होती बैचलर डिग्री है, लेकिन बट ये प्रोफेशनल डिग्री कहलाई जाती है, एक एकेडमिक डिग्री नहीं कहलाई जाती। जैसे एमए होगी, एमएससी जो बीए, ये एकेडमिक्स डिग्री होती है, लेकिन ये प्रोफेशनल डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है। तो ये दूसरी चीज़, 2 साल की होगी, 4 सेमेस्टर्स होंगे। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ बीएड में क्या है, 2 साल की बीएड है,
लेकिन आपको कंप्लीट करनी है 3 साल में। कंप्लीट का मतलब अगर कोई एग्ज़ाम रह जाता है तो उसको 3 साल के अंदर, 3 साल मतलब आज मैं एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे अगले 3 साल तक बीएड को पूरा पास करना है। ये थोड़ी सी आपको देख के थोड़ा सा भी डर भी लगेगा, बच्चे डरेंगे भी कि जाने कि 2 साल की बीएड और 1 साल एक्स्ट्रा और मिलेगा कि अगर आपके बैकलॉग्स आए हैं तो उसको क्लियर करने में। सपोज अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, अगर कोई एग्ज़ाम आपका रह जाता है तो आपको बस एक ही और चांस मिलने वाला है, एक ही और चांस मिलेगा 3rd और 4th सेमेस्टर में। अगर उस चांस में आप नहीं निकले तो बीएड फिर वहीं के लिए कैंसिल हो जाएगी। यानी कि 3 साल मिनिमम, मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट करो। 2 साल तो कोर्स चलेगा, 1 साल और मिलेगा आपको। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है, बीएड जो इतनी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी रिसेंट जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आया बीएड का, 94% स्टूडेंट पास हुए, 94%। जहां ग्रेजुएशन में 50% बच्चे नहीं पास हो पाते, वहां 94% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इतनी ईजी होगी। दूसरी बात एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होते। जैसे ग्रेजुएशन में 5th और 6th सेमेस्टर में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं कि किसी तरह आपका ईयर सेव कर दिया जाए। इसमें प्रपोजल आया था, यूनिवर्सिटी ने बोला था कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे 3rd और 4th के, बट कभी हुए नहीं। हुए क्यों नहीं, जहां 94% बच्चे पास हो रहे हैं तो फिर क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेना या लेना। जो पीछे 6% होंगे उनमें से आधे बच्चे ऐसे होंगे जो करना ही नहीं चाहते होंगे ये कोर्स, तो इसका क्या सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लेगी यूनिवर्सिटी। इसलिए इसका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। ये 2-3 साल हो गए, 2 बैच निकल चुके हैं, 2-2 ईयर वाले 2 बैच निकल चुके हैं, लेकिन उन दोनों बैचों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं हुए और पास परसेंटेज उनके 95% से अबव ही रही। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब बी एड में 2 मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, आइदर इंग्लिश और आइदर हिंदी। बट जो लोकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए, इनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हमेशा इंग्लिश ही रहेगी, आपको एग्ज़ाम इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। लेकिन जो आउटसाइड स्टेट्स हैं, बी एड एक्चुअली आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे भी आके यहाँ पे करते हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल पूरे इंडिया से बच्चे जाके यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में बी एड करते हैं। उनके लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उनकी मर्जी है, आइदर वो हिंदी में पेपर दे सकते हैं, आइदर वो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो इस स्टेट वाले हैं वो इंग्लिश में ही देंगे। उसके बाद ये सेमिस्टर्स के जो एग्ज़ाम हैं, 1st सेमेस्टर जो है वो, जहाँ 3rd सेमेस्टर है इसके एग्ज़ाम एंडिंग दिसंबर में होते हैं, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम एंडिंग मई में होते हैं। तो हर साल अभी आपकी एडमिशन हो जाएगी तो एंडिंग दिसंबर में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 1st सेम के, इसी तरह 3rd सेम के भी, और मई में वो हो जाएंगे। एडमिशन टू नेक्स्ट सेमेस्टर, इसमें कैरी ऑन सिस्टम है। जैसे ग्रेजुएशन में आपको एक चीज़ हमेशा तंग करती है कि 3rd सेम में जाना है तो 5th सेम में जाना है, कितने पेपर पास होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कैरी ऑन है, आप चलते चलोगे। हाँ, एग्ज़ाम दिए होने चाहिए, ये ना हो कि 2nd सेमेस्टर के एग्ज़ाम ही ना दो और आप कहो कि मुझे 3rd सेमेस्टर में ले जाओ। अच्छा, अव्वल तो किसी का पेपर पास नहीं होना चाहिए, आपकी ये सोच ही नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली आप जब भी एडमिशन लेते हो आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है कि कितने पेपर पास होंगे तो अगली क्लास में जाएंगे, ये वाली सोच आती ही क्यों है आपके दिमाग में। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सभी पास करूंगा और मैं अच्छे नंबर लेके अगली क्लास में जाऊंगा। मैंने देखा 95% बच्चों की यही सोच पूरा साल दिमाग में चलती रहती है कि बस इतने पास करेंगे तो आगे एडमिशन मिल जाएगी, बस इतने पास करेंगे तो ये हो जाएगा। इतने पे क्यों ही रुके होते हो, क्यों नहीं आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सभी पास अच्छे नंबर लेके आगे जाऊँ। ये चीज़ तो आपको कभी सोचनी नहीं चाहिए कि मैं फेल हूँ, इतने पेपर ही मैंने करने हैं पास। तो इसमें ऐसा नहीं है, बीएड में कैरी ऑन चलता रहेगा टिल 4th सेमेस्टर तक। उसके बाद एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, एग्ज़ाम्स देने के लिए आपको एक चीज़ ये है कि आपको पूरी जो बीएड के अंदर वर्कआउट होगा वो पूरा कंप्लीट करना चाहिए। रेगुलर अटेंडेंस क्लासेस लगानी पड़ेंगी आपको, जो प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो इंटरनल असेसमेंट्स हो रही हैं, जो टर्म टेस्ट हो रहे हैं, वो सब आपको करने पड़ेंगे। जो फाइल्स बनी होंगी आपकी, जो वो क्या कहते हैं इंटर्नशिप्स, जो भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर सेमेस्टर।
ठीक है, तभी जाके आप एग्जाम देने के काबिल हो पाओगे। अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे बच्चों का ये होता है कि जब आप प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हो तो आपके अटेंडेंस के लिए आप बहुत ज़्यादा वो लापरवाह हो जाते हो, लेकिन बीएड में अटेंडेंस की बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अटेंडेंस रेगुलरली कॉलेज जाके अटेंड करना है। अभी 1-2 साल पहले यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, कुछ सरप्राइजली टीमें बनाई थी यूनिवर्सिटी की। वो टीमें थी वो कॉलेज में सरप्राइज विजिट करती थी और विजिट करके देखती थी कि उस दिन उस कॉलेज में या उस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, और उन बच्चों की वो अटेंडेंस ले जाती थी। और हर एक कोर्स में 2-3 बार ये टीमें आती थी और चेक करती थी। अब सपोज करो एक कोर्स में कोई टीम आ रही है, 4 बार टीम आ रही है यूनिवर्सिटी की सरप्राइजली आपका अटेंडेंस चेक करने, और आप 4ों बार एबसेंट हो, तो वो तो नेचुरली फिर उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, ये तो कभी कॉलेज आता ही नहीं है। ठीक है, अटेंडेंस आपकी प्रॉपर अटेंडेंस होनी चाहिए, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करो। यहाँ पे लिखा गया है कि 95% से ज़्यादा जिसकी अटेंडेंस होगी तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जिसकी 95 to 90 के बीच होगी उसको 4, 90 to 85 के बीच 3, 85 से 80 के बीच इक्वल टू 2, और जिसकी 80% से कम हुई वो एग्ज़ाम में बैठाने के लिए अलो नहीं होगा। तो 80% से अब अटेंडेंस बनानी ही पड़ेगी, रेगुलर जाओ। एग्ज़ाम जो होता है बीएड का, एक थ्योरी पेपर होता है, एक इंटरनल असेसमेंट टाइप का पेपर्स होता है। थ्योरी पेपर जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है, 30 नंबर की जो होती है वो इंटरनल असेसमेंट होती है, और 10 मार्क्स की जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। हर थ्योरी पेपर का एक एक्सटर्नल वाइवा होगा आपका, 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, 60 मार्क्स में थ्योरी का पेपर होगा जो फाइनल में आएगा, 30 मार्क्स की जो असेसमेंट होगी जो कॉलेज में होगी, और 10 मार्क्स का जो एक्सटर्नल वाइवा होगा आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले या एग्ज़ाम से पहले। जैसे आप कॉलेजेस में भी होता है, एक्सटर्नल टीम आएगी वो आपका एक्सटर्नल वाइवा लेगी। 40% मार्क्स चाहिए होते हैं बीएड में पास करने के लिए, लेकिन आपकी ये सोच, फिर भी यही सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे 40% ही लेने हैं। 60 में से 23 मार्क्स वाला स्टूडेंट पास होता है, लेकिन आपकी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे बस 23 ही लेने हैं। ज़्यादा नंबर लो, अच्छे नंबर लो, मेहनत करो, ये नेगेटिव चीज़ें दिमाग से पहले ही बाहर निकाल दो। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 5 पेपर होंगे, ठीक है, पांचों के पांचों पेपर बीएड के होंगे। इसमें क्या नेम है, एजुकेशनल इन इंडियन पर्सपेक्टिव, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस एजुकेशन, लैंग्वेज कंपीटेंस स्किल्स, एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, और लास्ट में एक इंटर्नशिप प्रैक्टिकल टाइप की होगी। ठीक है, हर पेपर जो है थ्योरी 60 मार्क्स की होगी। ठीक है, जो कॉलेज में 2 आपके इंटरनल टेस्ट होंगे 5-5 मार्क्स के, वो 2 टेस्ट होंगे जो कॉलेज वाले लेंगे। एक इंटरनल असेसमेंट होगी वो 20 मार्क्स की होगी, एक्सटर्नल एग्जामिनर 10 मार्क्स का होगा, और टोटल 100 बन जाएंगे, यानी 30 कॉलेज वालों के हैं, 10 एक्सटर्नल जो वाइवा लेने वाला आएगा, 60 आपके थ्योरी के। हर पेपर के साथ ऐसा ही होगा, 60-40 वाला, 60-30 and 10 वाली। इंटर्नशिप होगी 50 नंबर की होगी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का सिलेबस बना होगा, आपको क्या क्या करना है वो आपको करना है, और उसको जाना है। ये सिलेबस इस लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेना। फर्स्ट सेम में ये होगा। इंटर्नशिप क्या होगी, जो 50 नंबर की इंटर्नशिप है, एक्चुअली अब बीएड में बड़ी सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपने कभी सुना नहीं होगा कि ऐसा भी होगा, बट अब आपको वो चीज़ें होती हुई दिखेंगी। इंटर्नशिप में क्या करना है, 50 नंबर की इंटर्नशिप, आंगनबाड़ी, आपके नीरज कोई आंगनबाड़ी होगी, आपको क्या करना है, 2 दिन के लिए उस आंगनबाड़ी में जाना है, जाके वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि उस आंगनबाड़ी में होता क्या है, वहाँ पे जो हेल्पर होती है, जो आंगनबाड़ी की इंचार्ज होती है, उनके क्या काम है, बच्चों का क्या काम है, कैसे वो बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं, कैसे वो खाना खिला रहे हैं, क्या क्या खाने में आ रहा है, ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और आके एक फाइल बनानी है, फाइल पे लिखना है ये 2 दिन आपने ये एक्टिविटी करनी है। फिर आपको जाना है नर्सरी स्कूल में, नर्सरी स्कूल में जाके आपने देखना है वहाँ पे कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाते हैं उनका, जो भी पूरा सिस्टम, अपने नियर बाय स्कूल किसी में भी चले जाओ और कॉलेज जो कह रहा है उसमें चले जाओ। 2 दिन जाना है वहाँ पे, 5 ऑब्जर्वेशन लेसन्स बनाने हैं आपको, फाइल के ऊपर इसी तरह के बनानी है। डाइट, डाइट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, जो टीचर्स को ट्रेनिंग देती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट सेंटर होता है,
कठुआ का बसोली में है, सांबे का सांबे में है, जम्मू का आप वहाँ अखनूर रोड के हैं, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट सेंटर होगा। आपको उस डाइट सेंटर में जाना है, वहाँ के जो फंक्शंस हो रहे हैं, डाइट में 7 विंग्स होती हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं, कैसे वो टीचर्स को ट्रेन करते हैं, क्या उनके फंक्शन है क्या नहीं, ये सब वहाँ पे जाने हैं और जाके ये सब कुछ अपनी फाइल पे आके आपने राइट डाउन करना है। इसके अलावा आपको प्रीवी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में जाना है, इनोटिव सेंटर प्राइमरी या मिडिल स्कूल ले लो, वहाँ पे भी जाके सब कुछ चेक करना है, देखना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है ये, पढ़ाना नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वहाँ के काम काज को देखना है और देख के आपको राइट डाउन करना है। प्राइमरी स्कूल में भी जाना है, मिडिल स्कूल में भी जाना है, 2 to 2 days, हर दिन 2-2 दिन की एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के मार्क्स भी हैं, टोटल 50 है, 2-2 दिन की जो एक्टिविटी है 8-8 मार्क्स की है। एक चीज़ और बी एड में, जो भी ये एक्टिविटीज़ आप करने जाओगे उसको उसके फोटोग्राफ्स लेने हैं, वीडियो बनानी है, अपने मोबाइल से आपको अपना फोटोग्राफ्स लेना है वहाँ पे, जो अगर आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहे हो आंगनबाड़ी सेंटर्स के फोटोग्राफ्स लेने हैं, उन फोटोग्राफ्स में आप भी होने चाहिए और वीडियो भी बनानी है। ये बकायदा आपको एक एल्बम बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल जब यूनिवर्सिटी की टीम आएगी एक्सटर्नल वाइवा लेने, तो ये सब चीज़ें चेक करेंगी आपकी, और अगर आपके फोटोग्राफ्स होगी, आपकी वीडियो होगी, तो तब ये प्रूफ होगा कि आप सच में ही गए थे। ऐसे तो कोई भी फाइल बना के दिखा दे तो क्या प्रूफ है कि आप गए थे कि जा नहीं गए थे, लेकिन आपको अपने प्रूफ के लिए हर एक के फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे, वीडियो बनानी पड़ेगी, एक सीडी बनती है, लास्ट में एक सीडी बना के आपकी फाइल में लगानी पड़ेगी, जिस इस एक्टिविटी की आप फाइल बना रहे हो अपने फोटोग्राफ भी वहाँ पे पेस्ट करने पड़ेंगे आपको। ये फर्स्ट सेमेस्टर में काम आपको शायद बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, फन टाइप काम है, मज़े वाला काम है, जाओ घूमो फिरो और देखो इन चीज़ों को। अब बात आती है सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में आपके क्या होंगे, 6 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट जो होंगे वो बीएड के होंगे, 2 सब्जेक्ट आपको अपनी चॉइस के चूज़ करने। पहला सब्जेक्ट फिलासफिकल साइकोलॉजी वाला, टीचिंग लर्निंग 203 कोड, कंप्यूटर का सब्जेक्ट आ गया, ICT, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT, ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ये कंपल्सरी है, सबको पढ़ना है। 204 जो कोर्स कोड है, ये मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, संस्कृत, इसमें से एक आपको चूज़ करनी है जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो। अगर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी है तो यहाँ पे आप हिंदी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश, बट इनमें से एक चूज़ करना है। 205 जो कोड है, इसमें से सोशल स्टडी, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, होम साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने ग्रेजुएशन में किया। अगर ग्रेजुएशन में आपने साइंस की है तो यहाँ पे आपको फिजिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, अगर आपका मेडिकल है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस लेनी पड़ेगी, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो यहाँ SST लेनी पड़ेगी, कॉमर्स पढ़ा है तो कॉमर्स लेना पड़ेगा। एक्चुअली इन सब्जेक्ट में ये नहीं है कि आप साइंस ले रहे हो तो पता नहीं कौन सी साइंस की थ्योरम या फिगर आ रही है, ये आ रहा है, जहाँ आपको लग रहा है कि मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो यहाँ तो सोशल स्टडी लेनी पड़ रही है, जब कोई बोलेगा मैंने तो ज्योग्राफी पढ़ी थी तो यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें ये चीज़ है कि सोशल स्टडी या साइंस का टीचर आपने बनना कैसे है, ये नहीं कि साइंस की कोई थ्योरम आ जाएंगी या रिएक्शन आ जाएंगी या कोई मैथ के सवाल आ जाएंगे या थ्योरम्स आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको ये टीचर बनना कैसे है, आपको क्लासेस में जाके पढ़ाना कैसे है, अगर आप साइंस टीचर बन रहे हो तो आप साइंस टीचर बन के आपको कैसे पढ़ाना है, ये चीज़ यहाँ पे होगी। ये नहीं होगा कि साइंस के कोई टॉपिक उठा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर एक 206 ऑफ एक्शन रिसर्च, ये सेम वैसा ही होगा जैसे आप 60, 20, 30, 100 मार्क्स के सब होंगे, जो वो एक्शन रिसर्च होगा ये 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा इंटर्नशिप होगी, स्कूल इंटर्नशिप, अब ये इंटर्नशिप वही होगी 50 मार्क्स की, 50 में से इस तरह से होंगे 30 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, 20 मार्क्स जो हैं वो आपके एक्सटर्नल होंगे, जो एक्सटर्नल टीम आएगी, ठीक है। अब इंटर्नशिप में आपको क्या करना है, हाई स्कूल्स में जाना है, हाई स्कूल में अब 4 days के लिए जाना है, पहले 2 days के लिए जा रहे थे, अब 4 days के लिए जाना है, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है 8 lessons की। हाई सेकेंडरी स्कूल में जाना है, पहले पिछले सेमेस्टर में आपने देखा आप लोअर स्कूल में जा रहे थे, नर्सरी में जा रहे थे, प्लेवे स्कूल में जा रहे थे, अब थोड़े हाई पे आ गए, अब हाई स्कूल जाना है, हाई सेकेंडरी जाना है, उस हाई
जैसे प्रीवियस ईयर में आपने डाइट में गए थे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, इन सब डिस्ट्रिक्ट में जो डाइट होती है इनको कंट्रोल करने वाले एक इंस्टीट्यूट होता है, उसको बोलता है साई, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये साई वहीं पे है जम्मू में, आप देख सकते हो अखनूर रोड के ऊपर आता है इंस्टीट्यूट। अब आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाके उनके कामकाज को देखना है, वो जो भी ये एक्टिविटीज़ करोगे इसके फोटोग्राफ्स आपने लेने हैं, फाइल बनानी है, पूरी फाइल बना के रखनी है। जब एक्सटर्नल वाइवा होगा, एक्सटर्नल वाइवा इंटर्नशिप का जब होगा, तो आपकी जो टीम आएगी उस टीम को आपको दिखानी पड़ेगी हमने ये एक्टिविटीज़ की थी। अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर पे। थर्ड सेमेस्टर में अब आपका जो सिलेबस है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट सेम में 5 पेपर थे, सेकंड सेम में 6 पेपर थे, लेकिन जब थर्ड सेम में आप आ जाओगे तो आपके पेपर रह जाएंगे सिर्फ 3। थर्ड सेम में आपको ऐसे भी डर रहेगा कि अगर पेपर रह गया तो एक ही चांस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिलेबस भी रिड्यूस हो गया, ऑफकोर्स पेपर भी आएंगे 3। 3 में से 2 पेपर तो वही रहेंगे जो आपने पीछे सेलेक्ट किए थे, एक लैंग्वेज वाला इंग्लिश हिंदी में से, और एक जो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली था, जो बायोलॉजिकल साइंस या कॉमर्स या सोशल स्टडी, वही सेम सब्जेक्ट आगे थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। और एक न्यू पेपर आएगा एनवायरनमेंट साइंस का, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये बस 3 ही पेपर होंगे। ठीक है, इन 3 पेपर के अलावा एक स्कूल इंटर्नशिप होगी। ठीक है, अब जो स्कूल इंटर्नशिप्स होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की हो जाएगी। पहले आप स्कूल्स में जाते थे ऑब्जर्व करने, उनके कामकाज को देखने, लेकिन अब आप स्कूल में जाओगे पढ़ाने। अब आपको उन स्कूल्स में जाके जो आपको क्लास मिलेगी उस क्लास में जाके आपको बच्चों को पढ़ाना है। अपने घर से आपने कोई एक टॉपिक तैयार करना, सपोज आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल वालों ने आपको 8th क्लास, आप साइंस की टीचर हो, आपको साइंस वाला सब्जेक्ट मिलेगा, आपको 5th क्लास का ये सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कल पढ़ाना है, तो आप घर में आके पहले उसका एक मॉडल बनाओगे, उसका पूरा एक लेसन प्लान तैयार करोगे, लेसन प्लान तैयार करके नेक्स्ट डे जाके वो उस क्लास को आप डिलीवर करोगे, और आपके साथ आपके स्कूल कॉलेज से एक टीचर्स जाएगा जो आपको वहाँ पे जाके चेक करेगा और आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। इस तरह से इस एक्टिविटी को करने के लिए 8-8 वीक्स की एक्टिविटी है, 8 वीक्स यानी 2 मंथ आपको इसी तरह स्कूल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, 20 लेसन्स देने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से 10 लेसन जो ऑन स्पॉट वहाँ पे देने पड़ेंगे, 8 आपको ऑब्जर्वेशन लेसन, 2 आपको क्रिटिसिज्म लेसन, ये क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन क्रिटिसिज्म, ये आपको अपने स्कूल वाले कॉलेज वाले समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझाने लगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको 40 लेसन है, 2 है टीचिंग प्रैक्टिस TPA 1A एंड टीचिंग प्रैक्टिस TP 1B, दोनों में 40 लेसन है, 8-8 वीक्स की एक्टिविटी है और 100-100 मार्क्स की है। आप ये नहीं कह रहे, 100 मार्क्स की है जो आप ये करने जाओगे, दोनों एक्टिविटी मीन्स दोनों को मिला के 200 मार्क्स, जिसमें से 60 मार्क्स जो इंटरनल के होंगे और 40 मार्क्स जो होंगे वो एक्सटर्नल वाले देंगे। तो ये अभी अच्छे मार्क्स गेन करने का आपको मौका मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 100-100 और 50-250 मार्क्स, एक सेमेस्टर में 250 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें से आप कह सकते हो कि 60-60 और 40 इंटरनल है और 80 एक्सटर्नल है। ये होगा थर्ड सेमेस्टर। जब आप पहुँचोगे फोर्थ सेमेस्टर में हो रिड्यूस हो जाएगा आपका सिलेबस, इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आपको सिर्फ एक ही पेपर होगा आपका, बस एक ही पेपर होगा, टीचर 2 पेपर होंगे फोर्थ सेमेस्टर में जाके, आपके सिर्फ 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा टीचर एजुकेशन, जो कि बीएड का अपना पेपर होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो भी आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे दे गया हिस्ट्री एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, गाइडेंस काउंसलिंग, कंप्यूटर एजुकेशन, करिकुलर डेवलपमेंट, तो इन जो लिस्ट है इस लिस्ट में एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा ऑप्शनल। ठीक है, और उसका वो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेम वही 100-100 मार्क्स का होगा। इसमें स्कूल इंटर्नशिप होगी, इसकी जो स्कूल इंटर्नशिप होगी वो सेम वैसे ही होगी 40-40 लेसन प्लान्स की। यहाँ पे आपको पहले आपको
प्राइमरी लेवल पे जो लेसन प्लान प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाना था, अब आपको थोड़ा मिडिल क्लासेस को पढ़ाना है फर्स्ट सेमेस्टर में आके, तो थोड़ी आपकी जो क्लासेस हैं वो हायर हो जाएंगी, जैसे 8th 9th 10th क्लास हो जाएगी, तो आपको वैसे ही लेसन प्लान बना के डिलीवर करने हैं, वहाँ पर सब कुछ करना है। और इसके भी सेम वैसे ही मार्क्स हैं, 250 मार्क्स की हैं ये पूरी की पूरी। अब फोर्थ सेमेस्टर में एक चीज़ और यहाँ पे लिखी गई है, प्रोजेक्ट वर्क, प्रोजेक्ट वर्क्स, और उसके 100 मार्क्स भी दिए हुए। अब आ जाता है प्रोजेक्ट्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है बीएड में समझने के लिए, बीएड के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आपको पहले सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, शायद आपको हंसी भी आ जाए, बट वो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रखी गई हैं, एनसीटी की तरफ से रखी गई हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो फर्स्ट डे आपकी एडमिशन होगी वहाँ से स्टार्ट होके लास्ट डे ऑफ फोर्थ सेमेस्टर तक वो एक्टिविटी चलती रहेगी। मींस कि ऐसी एक्टिविटी जो पहले दिन आपके बीएड से लेके आखिरी दिन तक, बीएड तक यानी कि ऑल फोर सेमेस्टर्स तक वो एक्टिविटी चलती रहेगी। वो एक्टिविटी क्या कौन सी होंगी? पहली एक्टिविटी यहाँ पे आती है ईच वन टीच वन, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीशन ऑफ द पीरियड 2 ईयर्स, ये एक्टिविटी को पूरा करना है 2 साल में। 15 इंटरनल मार्क्स, 15 एक्सटर्नल मार्क्स, 25 मार्क्स की ये होगी, एक्चुअली 30 मार्क्स की होगी 15 10, ठीक है। ईच वन टीच वन क्या एक्टिविटी है? ईच वन टीच वन एक्टिविटी का मतलब है कि आपको एक पर्सन को पढ़ाना है, आपकी लोकेलिटी जहां आप रह रहे हो आपको वहां से एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, चाहे बच्चा ले लो, छोटा बच्चा ले लो, चाहे आप ओल्ड पर्सन ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी एज का ले लो, लेकिन वो पर्सन चूज करना है जो कभी स्कूल ना गया हो, जो किसने कभी पढ़ाई ना की हो। ऐसे बच्चे या लोग आजकल मिलने बड़े कम होते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन बड़े आप ओल्ड वाले लोग हैं तो आपको मिल जाते हैं, जो गरीबी में, जो गरीब कभी स्कूल ना गए हो, वो एक पर्सन आपको सेलेक्ट करना है। उस बच्चे को आपने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ा रहे हो, अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, उसके अंदर नोट डाउन करना है कि फर्स्ट वीक में मैंने इस बच्चे को ये पढ़ाया था, ABC 1 2 3 जो भी सिखाया मैंने, फर्स्ट वीक में बच्चे ने ये कुछ सीख लिया है, उसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट आ गई हैं। फोटोग्राफ्स भी लेने पड़ेंगे आपको बच्चे के साथ, पूरी एक्टिविटी फर्स्ट सेम में करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, जब फर्स्ट सेम का एक्सटर्नल होगा, आपको उस बच्चे को लेके, उस पर्सन को लेके अपने कॉलेज एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने पेश होना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज गड़बड़ सी लगती है, जिस बच्चे को पढ़ाया है उस बच्चे को उस एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने पेश करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर की जो टीम होगी आपको बताना पड़ेगा कि मैंने पूरे सेमेस्टर में इस बच्चे को ये नई चीज़ें सिखाई थी। एक्सटर्नल एग्जामिनर की टीम उस बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए पूछेगी चेक करने के लिए कि क्या वाकया इसने इसको पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, चाहे ऐसे ही कोई झूठा बच्चा उठा के ले आए हो, तो वो उस बच्चे को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड है एक्सटर्नल एग्जामिनर को, तो मीन्स मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके मार्क्स अब किसी और के हाथ में चलेंगे, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लग रही है ना आपको, एक बच्चे को पढ़ाना है, उस बच्चे का एग्जामिनर एक्सटर्नल लेगा, अगर उस बच्चे की परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छी रही तो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो 25 मार्क्स का ये प्रोजेक्ट है। तो इसी तरह सेकेंड सेम में भी उसको पढ़ाना है, कंटिन्यू रखना है उसको, उस बच्चे को 2 ईयर्स तक, आपकी बीएड 2 ईयर्स चल रही है, उसकी भी ये किस्म की पढ़ाई 2 ईयर्स तक चलेगी, वही सेम बच्चा, बदलना नहीं है ये कि सेकेंड सेम में कोई और उठा के ले आऊँ, ठीक है। सेकेंड सेम में भी आपको उसको इसी तरह कंटिन्यूसली पढ़ाना है, सेकेंड सेम के आखिर में जो एक्सटर्नल टीम आएगी उसके सामने फिर उसको पेश करना है, सेम थर्ड सेम, सेम फोर्थ सेम, फोर्थ सेम में लास्ट में आके फिर पूरे
2 ईयर्स की आपको फाइल दिखानी है कि इस 2 साल में मैंने इस बच्चे को ये कुछ पढ़ा दिया था, अब आप इसको चेक कर लो। एक्सटर्नल टीम उस बच्चे को पूरा चेक करेगी और फिर जो उसकी बच्चे की परफॉर्मेंस होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है कि बच्चे का कोई रिटन टेस्ट होगा या कुछ नहीं, और नॉर्मली पूछेंगे कि ये चेक करने के लिए कि ये झूठ तो नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप उठा के ले आए हो बच्चे को, पढ़ाया पढ़ाया है नहीं, तो ये चीज़ें चेक करने के लिए। यह पहली एक्टिविटी थी। दूसरी एक्टिविटी थी प्लांट एंड ऊन ट्री। प्लांट एंड ऊन ट्री, इसकी ड्यूरेशन भी देख लो, डू लिखा हुआ है, डू का मतलब टू ट्री, 2 ईयर्स, ठीक है। सेम ये भी 25 मार्क्स की है। अब क्या करना है, जब आपकी एडमिशन होगी आपके कॉलेज में, आपको एक ट्री को लगाना है अपने कॉलेज में, फर्स्ट वीक में ही लगा देना। जैसे अभी आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी एडमिशन के बाद, जाके स्कूल में आपको एक क्लासेस में जाके एक प्लांट लगा देना है अपने कॉलेज के जो भी बगीचा होगा। बड़ा प्लांट, एक फ्लावर प्लांट नहीं, एक बड़ा प्लांट, मेडिसिन प्लांट लगा लो आप, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा लो आप, ठीक है। एक प्लांट लगाना है, छोटा सा प्लांट लगाना है। क्या करना है, उसके उसके फोटोग्राफ्स लेने हैं आपने उस प्लांट्स के, और एवरी वीक उस प्लांट्स को आपने देख रेख में रखना है कि एक वीक के बाद उस प्लांट्स की क्या हाइट हुई, उसमें क्या प्रोग्रेस आई, उसका फोटोग्राफ लेना है। वीक ना लगा लो, 10 दिन का टाइम ला लो, 15 दिन का टाइम ला लो, फिर 15 दिन के बाद उसकी क्या ग्रोथ हुई, क्या उसमें चेंजेस आई, कोई फ्लावर्स आया, कोई फ्रूट आया, उसका फोटोग्राफ्स लेके, ये जो सब चीज़ें आपको अपनी फाइल पे लिखनी लिखनी है। जो भी एक्टिविटी करोगे उसकी अलग से फाइल बनानी बनानी है, उसके ऊपर फोटोग्राफ्स लगाने लगाने हैं अपने। तो ये पूरा और जब एक्सटर्नल टीम आएगी वो बकायदा आपका वो प्लांट्स भी चेक करेगी, किसने ये प्लांट लगाया है, ये वही प्लांट है जो फोटोग्राफ में दिख रहा है, ठीक है। सेम इस प्लांट को 2 ईयर्स में आपको देख रेख में रखना पड़ेगा। सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, सेम टीमें आगे सेम फाइल बनाएंगे, फिर चेक करेंगे। जब 2 साल हो जाएंगे वो प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपकी एक किस्म की वहाँ पे निशानी रह जाएगी। आपको वहाँ पे एक नेम प्लेट लगानी है उस प्लांट पे, अपना रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, ताकि जब टीम आएगी चेक करने, कभी सरप्राइजली भी टीम आ सकती है चेक करने, तो वो जाके ये चेक करेगी कि ये उसी बच्चे का प्लांट है। जो फोटोग्राफ्स भी वही होने चाहिए, ये ना हो कि एक सेम में एक लगा दो, दूसरे सेम में कोई और प्लांट लगा दो, इस तरह की हेरा फेरी मत करना। थर्ड एक्टिविटी होती है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। ये सिर्फ 4 सेमेस्टर में ही होगा ये एक्टिविटी, 25 मार्क्स की है। ये रेटिंग होती है स्टूडेंट, 10-15 स्टूडेंट्स को आपने कोई क्वेश्चंस दिए उनका साइकोलॉजी चेक करने के लिए, हर बच्चे का क्या आंसर्स आ रहा था, ये सब आपको कॉलेज वाले बता देंगे, इसमें कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। फिर फोर्थ एक्टिविटी है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में भी एक, ये भी पूरी 2 साल चलेगी एक्टिविटी, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक। इसमें क्या होता है कि आपको एक फाइल बनानी है, फाइल में लिखते रहना है डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ एज ए पर्सन। आप जब बीएड करने आ रहे हो तो आप में खुद में क्या चेंजेस आई, कौन कौन सी डेवलपमेंट आई, आप कैसे बदले, आपके कोई व्यवहार में कोई चेंज आई, आपके नेचर में कोई चेंज आ रहा है, आपकी थिंकिंग में कोई चेंज आ रही है, तो वो पूरी जो चीज़ें हो रही वो आपको पूरी फाइल में लिखनी पड़ेगी। इसी तरह डेवलपमेंट एज ए सेल्फ टीचर। अब आप टीचर बन रहे हो बेसिकली, जो बीएड कर रहे होते हैं तो वो उन्होंने तो टीचर ही बनना है, तो एज ए टीचर आप में कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं और एज ए खुद कौन सी चेंजेस आ रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको अपनी फाइल के ऊपर पूरा राइट डाउन करना है। तो ये चीज़ है बीएड के अंदर, इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है कि आप सोचोगे यार इतना बड़ा काम कैसे कैसे करेंगे। कॉलेज वाले हैं, कॉलेज में आप पढ़ने जा रहे हो तो कॉलेज वालों का ज़्यादा रोल प्ले होगा कि आपको ये चीज़ें समझाएं और आपको ये बताएं कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, उनकी पूरी हेल्प एंड सपोर्ट लो, तो कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं। फिर जब बीएड कंप्लीट हो जाती है तो उसके आपको डिग्री मिलती है, डिग्री जो है वो ग्रेड्स में मिलती है, जो भी रिजल्ट आता है वो आजकल ग्रेडिंग में आता है, ठीक है। अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं टोटल बीएड में ओवरऑल में, तो आपको ए प्लस ग्रेड मिलेगा, 75 to 80 बीच ए। इसी तरह ए पी बी सी सी डी ई एफ तक जाओगे, ए प्लस और डी ग्रेड तक जिसको मिल रहा है वो बच्चा पास माना जाएगा, जिसका ई ग्रेड होता है या एफ ग्रेड होता है वो बच्चा फेल माना जाएगा। ई एफ मतलब कि फिर वो 40% से बिलो उसके मार्क्स आए हैं तो उसको एफ ग्रेड मिलेगा। तो बस ये है बीएड, 2 साल में ये बीएड करनी है, ये आपको एक्टिविटी करनी है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें कुछ करने वाली, ईच वन टीच वन प्लांट वाली, या फिर विजिट हैं वही किस्म के, आपके एक पिकनिक होगी,
कि दो दो दिन के लिए आज इधर चले गए, दो दिन उधर चले गए, ग्रुप में जाओ, अकेले जाओ, जैसे आपको कॉलेज गाइड कर रहा है वैसे आप करो। तो मुझे नहीं लगता कि ये बीएड कोई बोरिंग चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग घूमने फिरने वाला। आपके जो सीनियर्स होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने 2 ईयर्स वाली बीएड की होगी, उनसे पूछ लो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब बीएड की जो एडमिशन शुरू हो रही है उसमें एडमिशन कैसे करनी है, उसमें कॉलेज की प्रेफरेंसेस कैसे देनी है, कौन से बच्चे वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन से बच्चे वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, कैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा, क्या काउंसलिंग होगी, ये जो वो सारा जो प्रोसेस है मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स।